दतिया में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के भतीजे को पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में सागर से गिरफ्तार किया और उसे दतिया लेकर आई। वहीं दतिया पुलिस और मुगावली पुलिस ने संयुक्त दबिश देकर कृषि उपज मंडी के पास बने कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के बाड़े में धोखाधड़ी के 1 लाख रुपए नकद और माल बरामद किया। बताया जा रहा है शेखर ट्रेडिंग कंपनी मुगावली के व्यापारी शेखर पुत्र अजीत जैन ने अखिल इंडस्ट्रीज दतिया के निखिल भारती, चंद्र प्रकाश साहू उर्फ चंदू को 2 अप्रैल 2019 को 235 क्विंटल तेवड़ा की फसल भेजी थी, जिसमें से 26 अप्रैल को सिर्फ 2 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। अब भी मुगावली के व्यापारी को 18,26,203 रुपए का भुगतान लेना है। उक्त मामले की शिकायत मुगावली के व्यापारी ने कलेक्टर को आवेदन लिखकर की थी, जिसे जांच के लिए कलेक्टर ने मुगावली SDOP को भेजा था। जांच के बाद दतिया के गल्ला व्यापारी निखिल भारती, चंद्र प्रकाश साहू उर्फ चंदू के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इस मामले में मुगावली पुलिस को सफलता हाथ लगी और निखिल भारती को सागर से गिरफ्तार किया। अशोकनगर में थाना मुगावली में 11 जून को एक 420 406 409 34 का अपराध दर्ज हुआ, जो कि दतिया का निखिल भारती और चंदू इन दो के खिलाफ दर्ज हुआ। तो निखिल भारती जो है वो राजेंद्र भारती जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनका भतीजा है। इन्होंने वहाँ पे 18 लाख रुपए का गमन किया। 18 लाख रुपए का गमन करके ये लोग अंडरग्राउंड हो गए। उसके बाद इसकी पकड़ धकड़ का मुंगावली SO ने भरकस प्रयास किया, मामूर मुखबिर किए, अपने मुखबिर तंत्र लगाए और उसमें उन्होंने गोपालगंज सागर से उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में जब उसको माननीय न्यायालय पेश किया, 3 दिन का PR मिला। PR पर उसको लेके दतिया आए। दतिया में हमारी टीम जिसमें अजय अंबे और सोनपाल अचेन वगैरह थे और इसमें नवल सिंह दरोगाजी सब इंस्पेक्टर हैं और राम नरेश बरुआ, आरक्षक सोनू, मनीष, इन सब लोगों ने जब यहाँ पे राजेंद्र भारती के बाड़े में दबिश दी तो राजेंद्र भारती के यहाँ पर उसके घर के घर पे 1 लाख रुपए नकद और ये बुक जिसमें ये एंट्री करते थे, जिसमें फर्जीवाड़ा करते थे, वो बुक और 4 बोरी तेवड़ा दाल की और कुछ बारदाना, ये सब बरामद किया।